देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ये एक दशक पहले की बात है। रात का समय हो रहा था और आज भी मैं रोज रोज की तरह मैं अपनी पिकअप में सामान लोड करके किराए पर निकल गया था। रात में मेरे पास कुछ ज़्यादा ही डिलीवरी का ऑफर आता था, इसलिए मैंने कभी भी इन डिलीवरी के ऑफर को इनकार नहीं किया। मेरी गाड़ी सामान से ओवरलोड थी और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कारक हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। वैसे भी मुझे डिलीवरी करना रात में ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल गाड़ी में कुछ कुछ की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मैंने गाड़ी रोकनी चाही, लेकिन इससे पहले ही मेरी गाड़ी उस सड़क पर एक पेड़ के नीचे आकर थम गई। अभी ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा नया नया था। वो क्या था कि मैं कारक हाईवे पर दूसरी बार ही आया था। गाड़ी थमी तो मेरी नज़र सामने बोनट की तरफ गई तो मैंने देखा कि बोनट में हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। साला ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गाड़ी से नीचे उतरने तक का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगा। मेरे हाथ पांव ठंड से कांप रहे थे। मैंने सड़क पर पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो यहाँ कोई बर्फ की भट्टी हो। जैसे मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने बोनट के अंदर से वास्तव में ही सफ़ेद धुआं निकल रहा था। मैंने बोनट खोला तो मुझे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर मैंने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो उसे मैं रेडिएटर में डाल दूंगा ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मेरी बदकिस्मती थी कि गाड़ी के अंदर रखी बोतल एकदम खाली थी और बोतल को जब मैंने खाली देखा तो फिर से मेरी उम्मीद टूट गई। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने सोचा कि यहाँ से गुजरने वाली किसी गाड़ी वाले से मदद मांग लूँगा, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि यहाँ से बहुत ही कम या ना के बराबर गाड़ियाँ गुजर रही थी। बहुत देर तक मैं सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन वहाँ से अब तक कोई गाड़ी नहीं गुजरी तो मैं लास्ट में थक गया और अपनी गाड़ी के अंदर से खाली बोतल उठाकर पानी की तलाश में निकल गया। मुझे लगा कि यह आजू बाजू में कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा और यही सोचकर मैं उस सुनसान पड़े रास्ते पर चलने लगा। मेरे कदम भी साबित कर रहे थे कि यहाँ कितनी खामोशी है। और इसी बीच मेरी नज़र सड़क के किनारे बने एक हैंडपम्प पर पड़ी। वो हैंडपम्प दिखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन वहाँ आसपास पानी की बूंदें थी, मगर वो ओस की बूंदें भी हो सकती थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पानी नहीं होगा। फिर भी जब मैं हैंडपम्प के पास गया और उसे ऊपर नीचे करने लगा तो हैंडपम्प से सच में पानी निकल गया। मैंने हैंडपम्प के सहारे से पानी की बोतल भर ली, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो उस हैंडपम्प को चलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य हो। मैंने कारक हाईवे के बारे में पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनी थी जिस पर विश्वास करना इतनी जल्दी किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ किसी बच्चे की आत्मा है, तो कुछ लोग यहाँ किसी डायन के होने का दावा करते थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अपनी चप्पल के साथ मेरे पीछे से निकल गया है। ये आवाज़ सुनकर मैं एक समय के लिए तो सहम ही गया था। तभी मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़ा और जब मैं गाड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि गाड़ी की विंडो और चारों तरफ दरवाजे खुले हुए थे। अपनी गाड़ी को इस हालत में देखकर मेरा तो माथा ही ठनक गया। जाते समय मैंने गाड़ी के दरवाजे को बंद किया था, फिर चारों दरवाजे भला एक साथ कैसे खुल सकते हैं। पहले तो मैंने गाड़ी के बोनट को खोला और रेडिएटर में पानी डालने लगा। हल्का हल्का निकलने वाला धुआं अब बंद हो गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी के दरवाजे किसने खोले। और मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर आजू बाजू में आवाज़ देने लगा, भाई साहब क्या कोई है यहाँ पर? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने वापस से गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और अब मुझे कहीं जाकर राहत मिली थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के आगे वाले हिस्से की छत पर कुछ गिर रहा है, मानो कोई भारी चीज़ बार बार गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से से टकरा रही हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से में गाड़ी के दरवाजे को लात से खोला और बाहर निकल गया। जब मैं बाहर निकला तो अचानक ही मेरी नज़र मेरी गाड़ी के पीछे कुछ कुत्तों पर पड़ी। वो कुत्ते किसी बच्ची को घिर कर उसे चारों तरफ से भौंक रहे थे। फिर मुझे लगा कि वो बच्चा खतरे में है, इसलिए मैं उन कुत्तों को भगाने लगा, मगर उन कुत्तों पर मेरी आवाज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मेरी आंखें भी उस बच्चे के पैरों पर पड़ी तो मैं डर से सहम गया, क्योंकि उस बच्चे के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे
और उसकी गर्दन उसकी धड़ से लटक रही थी। इतनी सी बातें मुझे विश्वास दिला गई थी कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी मैं एकदम से घूमा और डर से गाड़ी में बैठने लगा। उन कुत्तों की आवाज़ आना भी बंद हो गई। जब मैंने एक पल के लिए पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस छोटी सी बच्ची ने उन सभी कुत्तों को ज़मीन पर पटक पटक कर मार दिया। वो सभी मरे उस बच्ची के सामने पड़े थे और उस बच्ची के इस भयानक करतूत से मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो गया था कि यह एक प्रेत का रूप है। इसलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे निकलने लगा, लेकिन फिर मेरी गाड़ी के बोनट पर वो मरे हुए कुत्ते आकर गिरने लगे। उस वक्त तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने उसी समय अपनी ओवरलोड गाड़ी को स्पीड से निकाल दिया। मैंने गाड़ी के शीशों को बंद कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लेकिन गाड़ी के शीशे अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहे थे। ऊपर से मेरी गाड़ी की हेडलाइट भी चालू बंद होने लगी। मेरी हालत पतली पड़ने लगी। फिर एक और मुसीबत बीच सड़क पर मेरा इंतज़ार करती हुई नज़र आई। एक महिला जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो सड़क के बिल्कुल सामने खड़ी नज़र आ रही थी। आज मुझे विश्वास हो गया था कि यह हाईवे कितना हॉन्टेड है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, इसलिए उसके करीब जाते जाते मैंने कार की स्पीड को कम कर दिया। लेकिन वो महिला अपना चेहरा घुमाकर वहाँ पर खड़ी हुई थी तो मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। जैसे मैंने गाड़ी को उसके साइड से लेने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी एक बार फिर झटका खाने लगी और फिर उस औरत ने मुझे अपनी ओर हाथ दिखाया। शायद वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, मगर मैं काफ़ी डरा हुआ था और इस हालत में मैं गाड़ी को नहीं रोक पाया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे और मैं कुछ कर पाने के लायक भी नहीं था। इतने में वो महिला अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। पल भर में ही क्या हुआ ये पता ही नहीं चला। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात सूझ रही थी कि मुझे किसी तरह भागते यहाँ से निकल जाना है। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन गाड़ी की खराब स्थिति के कारण मैं भाग ही नहीं पाया। ऊपर से जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी के पीछे पीछे मुझे कोई भागता हुआ नजर आ रहा था। फिर मैंने ठीक से देखा तो ये वही बच्ची थी। उस औरत को भी इस तरह गाड़ी के सामने खड़ा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने गाड़ी के शीशों को चारों तरफ से बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए गहरी सांस खींचने लगा। हालात ऐसे थे मानो एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अचानक बंद आंखों में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, कोई तो है जो मुझे गाड़ी के बाहर से लगातार घूर रहा है। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मुझे बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सड़क एकदम सपाट पड़ी थी। मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को निकालने की कोशिश में लग गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ ही छोड़ दिया था। मैं गाड़ी का एक्सीलेटर तो दबा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। गाड़ी के टायर सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और जब मैंने गाड़ी के कांच में देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बच्ची भी अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। एक तरफ से राहत मिल रही थी तो दूसरी तरफ ऐसा भी महसूस हो रहा था, कोई तो है जो मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। ऐसी मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उस जोरदार ठंड में मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कपकपाते हुए बाहर निकला तो वहाँ एकदम गहरा सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी लिए। मैंने अपनी गाड़ी के आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ भी कोई नहीं दिखा। फिर इसी बीच मेरी नज़रें गाड़ी के निचले हिस्से से जाकर पीछे वाले एक डंडी पर पड़ी तो मुझे वहाँ किसी के पैर नज़र आ रहे थे। मैं धीमे धीमे कोशिश करके गाड़ी के पीछे चला गया तो मैंने देखा कि वो महिला गाड़ी को पकड़ कर खड़ी थी। शायद इसी वजह से गाड़ी का आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया था। मैं उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकता था कि उसने मेरी गाड़ी को एक हाथ से पकड़ रखा था तो मैं दो कदम पीछे खिसक गया। मेरे डर के मारे हालत ख़राब होने लगी। डगमगाते हुए मेरा पैर खुद के पाँव से ही टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर पकड़कर मुझे घसीट रहा है। सड़क पर घसीटने की वजह से मैं चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। फिर अचानक ही कुछ पलों के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक बंद कमरे में गिरा हुआ था जहाँ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। धूल से सनी दीवारें थी। मेरे पास एक छोटी सी खिड़की बनी थी और मैं उससे बंधा हुआ था। जब मैंने उस खिड़की से झांकते देखा तो मुझे वो सड़क दिखाई दे रही थी। सड़क पर एक छोटी लाइट जल रही थी। फिर मेरा ध्यान एक मंत्र जपने की आवाज़ ने तोड़ा। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि वो महिला किसी तांत्रिक की तरह हवन के सामने बैठी, उसमें कुछ डाल रही थी। मैं अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा पूरा बदन मानो जंजीरों से बंधा हुआ था।
इतना टाइट था कि मैं अपने हाथ तक को हिला नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की तो मेरी आवाज़ उस चार दीवारी के अंदर गूंजने लगी। अब मैं एक कमज़ोर इंसान की तरह तड़प तड़प कर वहाँ पर रोने लगा था। मेरा पूरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही था जो उस हवन के सामने बैठी हुई थी। फिर अचानक ही उस चार दीवारी का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही वो औरत गुस्से से देखने लगी। तभी मैंने देखा कि कुछ आदमी लोग अपने हाथ में लकड़ी लिए उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे को ऐसे खोला मानो कोई चोर बदमाश इस कमरे में है। उनमें से एक आदमी ने उस औरत के सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो औरत हवा में धुआं हो गई। लेकिन मैं अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ था, मानो कोई अदृश्य जंजीर थी वो। मेरा शरीर लगातार टाइट होता जा रहा था। अब धीरे धीरे मैं कसता जा रहा था। फिर उस आदमी ने उस हवन के पास पड़ी एक गुड़िया को उठाया और उसके ऊपर से धागे खोलने लगा। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने जैसे उस गुड़िया के धागे को खोला तो मुझे भी एकदम नॉर्मल महसूस होने लगा, मानो मुझे किसी ने जंजीरों से मुक्त कर दिया हो। मैं हल्का हुआ तो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर मुझे वो लड़की अपना हाथ हिलाते हुए वहाँ पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और एकदम से वहाँ से गायब हो गई। फिर उन लोगों ने बताया कि वो इस कमरे से थोड़ी दूरी पर रहते हैं और रात विरात में काफ़ी देर तक ऐसे आग के पास घेरा बनाकर वो रोज बातें करते हैं। तो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई पड़ गई, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि रात होते यहाँ पर भूत प्रेत और काली शक्तियाँ मंडराती हैं। और उन्होंने मेरी गाड़ी को सड़क पर खड़ा देख लिया था जो सामान से लदी हुई थी। उन्हें मालूम था कि रात में अक्सर ड्राइवर ही उसके चंगुल में फंसते हैं और कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल तपस्या करके लोगों का खून हवन में जला देती है। और ऐसे में वो इकट्ठा होकर तत्काल यहाँ पर पहुँची गए। उस दिन के बाद मुझे लगातार 7 दिन तक बहुत तेज बुखार रहा और मेरी हालत धीरे धीरे कसमकस होती रही। फिर मेरे पापा मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए और उन तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूँक से मुझे सही कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद मुझे रातों में सफ़र करने से भी डर लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और वैसे तो मैं एक स्टूडेंट था, और कभी कभी जब मुझे कॉलेज से छुट्टी मिलती थी तो मैं अपनी बाइक से लोगों के छोटे छोटे सामान को उनके घर पहुँचाने का काम भी करता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक टैक्सी खरीद सकूं, और पढ़ाई की वजह से और कोई काम भी नहीं कर सकता था। इस कारण से मैं यही काम करता था और इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब मुझे कॉलेज जाने के बाद ये पता चला कि मेरे 3 दिन की छुट्टी है और कुछ दिनों के बाद इंटरनल एग्ज़ाम है, इसलिए 3 दिन बाद जब कॉलेज जाना है तब मुझे इंटरनल एग्ज़ाम के लिए कुछ फीस जमा करवाने थे और मेरे पास फीस जमा करवाने जितने पैसे भी नहीं थे। कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं रात में और दिन में जब भी टाइम मिलेगा अपनी बाइक से सामानों को घर पहुंचाने का काम चालू रखूंगा। उसके अगले दिन जब कॉलेज की छुट्टी थी तब मैं अपनी बाइक लेकर अपने रूम से निकल पड़ा और उस दिन सुबह से शाम हो गए थे पर मैंने एक भी आदमी का सामान उसके घर नहीं पहुंचाया था। आजकल सभी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं और बहुत सारे लोगों के पास तो खुद की भी गाड़ियां होती हैं। इस कारण से मुझे कोई भी काम नहीं मिला और उस दिन अंधेरा होने वाला था। और जब अंधेरा हो गया तब भी मैं अपने घर नहीं गया कि कोई आदमी मुझे सामान घर पहुंचाने के लिए दे दे, ये सोचकर मैं इंतज़ार कर रहा था। पर जब काफ़ी रात होने पर भी कोई नहीं आया तब मैं निराश होकर अपने घर चला गया। और अगले दिन भी जब वापस बाइक लेकर गया तब भी मुझे काफ़ी देर तक कोई नहीं मिला। और थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जिसके पास कुछ छोटा मोटा सामान था जो उसके घर पहुंचाना था। उस दिन मुझे थोड़ी उम्मीद दिखी और उस आदमी के बाद मुझे एक दो आदमी और मिल गए थे। और थोड़ी देर के बाद एक आदमी मुझे और भी मिला जिसके पास कोई सामान तो नहीं था, पर फिर भी उसने मुझे रोका और उसके रोकने पर मैं रुक कर उस आदमी से पूछने लगा कि आपके पास कोई तो सामान नहीं है तो फिर आपने मेरी बाइक क्यों रोकी है। दरअसल मैंने अपनी बाइक पर एक पोस्टर लगा के रखा था और उस पोस्टर पर सामान लेकर जाने के लिए लिख रखा था। तब वो आदमी कहने लगा कि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है और अभी मुझे नई नई नौकरी मिली है तो आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दो, आपका जितना किराया होगा मैं आपको दे दूँगा।
उस आदमी की बात सुनकर मैंने सोचने लगा कि यह काम भी अच्छा है। जिन लोगों को टैक्सी नहीं मिलती है उन्हें मैं अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ। बाद में मैंने उस आदमी को उसके ऑफिस छोड़ दिया और ऐसे ही करते करते उस दिन मेरे पास थोड़े पैसे भी आ गए, पर अभी भी फीस जितने पैसे नहीं थे और आज भी थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था। मुझे लगा कल भी रात को कोई नहीं मिला था और इतना इंतज़ार करते करते कल रूम पर जाने में भी बहुत देरी हो गई थी, तो इस कारण से मैं आज जल्दी रूम पर जाने के लिए निकल गया। मैं रास्ते में जा ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पापा का कॉल आया कि वो और मम्मी मुझे मिलने के लिए आए हैं। दोस्तों एक खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था और जल्दी जल्दी अपनी बाइक को रूम की तरफ लेकर जा रहा था कि तभी अचानक से रास्ते पर कोई मेरी बाइक के आगे से भागकर निकला। मैंने अचानक ही ब्रेक मारकर अपनी बाइक को रोका और चारों तरफ देखा, पर वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुनसान रास्ते को देखकर मैंने वापस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से जाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से कोई मेरी बाइक के आगे से भागकर निकला, पर इस बार मैंने अपनी बाइक को नहीं रोका था क्योंकि ये रास्ता एकदम सुनसान था और मुझे इस सुनसान रास्ते से थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं अपनी बाइक को तेज गति से चलाकर जा रहा था कि तभी अचानक से एक औरत मेरी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। पहले तो मुझे उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि ये औरत कहाँ से आ गई। ऐसा लगा कि मानो ये औरत कहीं से प्रकट हो गई हो। उसे देखकर मैंने बाइक के ब्रेक मारे, पर बाइक की स्पीड तेज होने के कारण मैं गिरने वाला था कि तभी उस औरत ने अपने एक हाथ से बाइक को पीछे से पकड़ लिया, जिससे बाइक और मैं गिरने से बच गया। पर यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस औरत ने एक हाथ से मुझे और बाइक को कैसे संभाल लिया। अब मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो औरत कहने लगी कि मेरे पास यह दो बैग हैं, वो बहुत ही भारी हैं, इस कारण से ये मुझसे उठाए नहीं जा रहे हैं, तो कृपया आप मुझे इन बैगों के साथ मुझे मेरे घर छोड़ दो। उस औरत ने अपना चेहरा छिपा के रखा था और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी थी। मुझे घर जल्दी जाना था, इस कारण मैंने उस औरत को मना कर दिया। तो वो औरत कहने लगी कि देखिए आपको मैं 4 गुना किराया ज़्यादा दे दूंगी, पर आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मुझे इस अकेले रास्ते पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर मैंने अपने चारों ओर देखा तो रास्ता अभी भी सुनसान ही था और ये सोचकर मैंने उस औरत को अपने साथ बिठा लिया और वो औरत रास्ता बताती गई और उसी तरफ से मैं बाइक को लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने बाइक को रोकने को कहा तो मैंने बाइक रोकी तो वह मुझे किराया देने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तक आपका घर कहाँ आया है, तो वो औरत कहने लगी कि यही तो मेरा घर है, पर वहाँ तो सिर्फ कच्ची मिट्टी थी और चारों तरफ जंगल जैसा लग रहा था। और बाइक से उतर कर वो औरत दोनों बैग को ऐसे पकड़कर खींचने लगी जैसे कि किसी इंसान की लाश को खींच रही हो। मैं उससे कहने लगा कि पर यहाँ तो कोई घर ही नहीं है, तो आप यहाँ पर किस जगह रहती हैं। तभी वो औरत पीछे मुड़ी और अपना चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके चेहरे से कपड़ा हटते ही मेरे तो होश उड़ गए। उसका चेहरा तो बहुत ही खौफनाक था और वो जिस तरह से मुझे देखकर हंस रहे थे जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि तभी उसने वो दोनों बैग खोले और उनके पास बैठ गए। तभी मैंने देखा कि उन बैगों के अंदर इंसानों की लाशें थी जिन्हें उस औरत ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था और उन आदमियों के टुकड़े करके उनको इस बैग के अंदर भर रखा था, जिसे देखकर अब तो मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। कि तभी मैं वहाँ से भागने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा कि तभी वो औरत वहाँ से खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने में लगा हुआ था। बहुत मुश्किल से मेरी बाइक स्टार्ट हुई और मैं अपनी बाइक पर बैठकर जल्दी से वहाँ से निकल गया और रूम पर आकर मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में एक लाल धागा बांध दिया और कहा कि इसे खोलना मत। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को बाहर नहीं जाता था और उस रास्ते पर तो कभी नहीं गया था, पर एक दिन कॉलेज में कुछ फंक्शन था इस कारण मुझे घर पर आने में काफ़ी देरी हो गई थी और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। उस दिन मैं अपने रूम पर आ रहा था तो मेरा रूम मेरे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर था और मुझे कॉलेज से निकलने में भी काफ़ी देरी हो गई थी, इस कारण से मैं अपनी बाइक को जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वो मुझे बाइक रोकने का इशारा कर रही थी, पर मुझे एक तरह से मन ही मन
डर लग रहा था कि कहीं उस दिन की तरह आज भी कोई डायन ना हो, पर एक तरह से मेरे मन में यह भी ख्याल चल रहा था कि कहीं अगर सच में इस बूढ़ी औरत को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो फिर मैंने अपनी बाइक को ले जाकर उस बूढ़ी औरत से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया और वो औरत मुझे कहने लगी कि उसे थोड़ा आगे छोड़ दो, उसे चला नहीं जा रहा है। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आपको आगे कहाँ जाना है, तो उस औरत ने वही जगह बताई जहाँ पर उस दिन वो डायन मुझे लेकर गई थी। और उस औरत ने जैसे वो रास्ता बताया तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस औरत को मना करके जल्दी से वहाँ से निकल गया। पर जब मैं रास्ते से जा रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत मुझे आगे सड़क पर खड़ी हुई नज़र आई, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया कि ये औरत इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इस कारण से मैंने बिना बाइक रोके बाइक को और तेज चलाने लगा कि जैसे मैं बाइक को उसके पास लेकर गया तो वो गायब हो गई। और उसे इस तरह अचानक से गायब होता देख मैं समझ गया था कि ये कोई आम औरत नहीं है, कि तभी मैंने देखा कि वो औरत मेरी बाइक के साथ साथ भाग रही थी और भागते भागते मेरी बाइक से आगे निकल गई और आगे जाकर अचानक से वो रुक गई। और जैसे वो रुकी तो उसका रूप बदलने लगा और एक बूढ़ी औरत से वो औरत एक डायन के रूप में तब्दील हो गई और मुझे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह देखकर मुझे डर तो लग रहा था, पर मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैंने बाइक को रोका तो वो मुझे मार देगी। और ये सोचकर मैं बाइक चला रहा था कि तभी वो हवा में उड़ने लगी और अचानक से मेरे पीछे आकर बैठ गए। जैसे ही वो मेरे पीछे बैठी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर गई और तभी मैं भी गिर गया। जब मैं गिरा हुआ था तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रही थी, इस कारण मैं उठकर भागने लगा कि तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जैसे उस औरत का हाथ उस लाल धागे पर पड़ा तो उस औरत से मेरा हाथ छूट गया और वो तुरंत ही नीचे ज़मीन के अंदर चली गई। और उसके ज़मीन के अंदर जाते ही मैं वहाँ से अपनी बाइक की तरफ गया और अपनी बाइक लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। और दोस्तों उसके बाद से मैं कभी भी रात को अकेले बाहर नहीं रहा था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।